दोस्तों जब से Xiaomi ने अपना Redmi Note 5 Pro लॉन्च कर दिया इंडिया में, तब से पूरा इंडियन मार्केट में बवाल मच गया है, क्योंकि सारे फोन के साथ कंपैरिजन करना पड़ रहा है और सारे फोन को कंपेयर करने के बाद Redmi Note 5 Pro को कोई भी चूज करना चाहता है। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे Redmi Note 5 Pro के साथ Xiaomi का MIUI 1। जी दोस्तों, तो MIUI 1 2017 में लॉन्च हुआ था डुअल कैमरा फीचर के साथ, जो कि आपको मिल जाता था Xiaomi की तरफ से। और अभी Redmi Note 5 Pro आया है जिसमें आपको डुअल कैमरा के साथ साथ 8x9x वाला डिस्प्ले मिल जाता है। सो गाइस, इस वीडियो बने रहिए, इस वीडियो में इन दोनों फोन का मैं कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट फोन आपके लिए कौन सा है, Xiaomi का MIUI 1 या फिर Xiaomi के Redmi Note 5 Pro, ताकि आप एक बहुत ही अच्छा फोन खरीद पाओ 2018 में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिर्बान और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन गुरु की और एक एपिसोड में। सो गाइस, बिना कोई टाइम के बके लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो कि आपको Xiaomi ने नहीं बताया है। दोस्तों, Xiaomi Redmi Note 5 तो Redmi Note 4 का सक्सेसर है, लेकिन Xiaomi Redmi Note 5 Pro इज नॉट द सक्सेसर ऑफ Redmi Note 4, क्योंकि ये बड़ा सक्सेसर है MIUI 1 का। तो हम इसका नाम MIUI 2 रख सकते हैं, लेकिन Xiaomi ने नहीं रखा, ये उसका मार्केटिंग बिजनेस है, क्योंकि उसको पता है अगर Xiaomi Redmi Note 4 जो कि नंबर वन सेलिंग स्मार्टफोन है, तो उसके साथ अगर लिंक कर दिया जाए कोई किसी फोन को, तो वो नंबर वन सेलिंग स्मार्टफोन बन सकता है। इसलिए वो Redmi Note 5 Pro के हिसाब से इसको लॉन्च किया है, लेकिन एक्चुअली ये MIUI 1 का नेक्स्ट वर्जन है जिसका नाम रखा जाना चाहिए था MIUI 2। फिलहाल दोस्तों चलते कॉम्पिटिशन की तरफ। तो गाइस, स्टार्ट करते डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेके। सो गाइस, डिजाइन के हिसाब से Xiaomi का Redmi Note 5 Pro एंड MIUI का डिजाइन काफी सिमिलर है और दोनों का कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेटल बॉडी है। सिर्फ बस डिफरेंस इतना है कि आपका जो कैमरा मिलता था MIUI 1 में वो ऑरिजिनली अलाइन मिलता है, जबकि आपको 5 Pro में जो कैमरा मिलता है वो डुअल कैमरा आपको वर्टिकली अलाइन देखने को मिल जाता है। और जो डिस्प्ले है वो आपको 8x9x देखने को मिल जाता है Redmi Note 5 Pro में, जबकि आपको MIUI 1 में 16:9 वाला वही ट्रेडिशनल डिस्प्ले देखने को मिल जाता था। बस डिजाइन में इतना ही डिफरेंस है। और बात करते हैं इसका डिस्प्ले को लेके, तो आपको MIUI 1 में जो डिस्प्ले मिलता था वो 5.5 इंच का, जिसका रिजोल्यूशन था फुल HD, तो कुछ 1080x1920 पिक्सल, जबकि आपको Redmi Note 5 Pro में जो डिस्प्ले मिलता है वो 5.9 इंच का डिस्प्ले है, जिसका रिजोल्यूशन फुल HD प्लस है। कहने का मतलब इसमें 1080x2160 पिक्सल दिया गया है। PPI का बात करते हैं तो MIUI 1 का PPI दिया गया है जो OA401, जबकि आपको Redmi Note 5 Pro का जो PPI दिया गया है वो है 403। और इसका जो डिस्प्ले है वो 8x9x रेशियो है, जबकि MIUI 1 में वो नहीं दिया गया है। तो फिलहाल जमाना तो 8x9x रेशियो का चल रहा है और फ्यूचर में भी यही डिस्प्ले का सारा फोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले के हिसाब से इम्प्रूव डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है Redmi Note 5 Pro में। इसका रेजोल्यूशन कुछ हद तक ज्यादा है, PPI भी कुछ हद तक ज्यादा है और डिस्प्ले का साइज भी बड़ा है। तो डिस्प्ले के हिसाब से सबसे अच्छा तो मेरे हिसाब से Redmi Note 5 Pro ही होगा और उसके बाद आएगा MIUI 1। बात करते हैं वेरिएंट को लेके, तो MIUI 1 में आपको एक वेरिएंट देखने को मिल जाता है 4GB रैम वही 64GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ, जबकि आपको Redmi Note 5 Pro में दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है, एक है 4GB वही 64GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ और एक है 6GB x 64GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ। तो स्टोरेज के हिसाब से और रैम के हिसाब से काफी अच्छा रैम प्रोवाइड करता है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro। इसके बाद बात करते हैं कैमरा को लेके, तो आपको Xiaomi का जो MIUI 1 है उसमें 12MP प्लस 12MP डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, जबकि फ्रंट में वही 5MP कैमरा दिया गया है और इसका बैक में आपको डुअल फ्लैश दिया गया है, लेकिन फ्रंट में कोई फ्लैश नहीं है। और जो 12MP जो रियर में जो सेकेंडरी कैमरा है वो एक्चुअली वाइड एंगल के लिए एंड 2x ऑप्टिकल जूम के लिए दिया गया है। सो गाइस, इसके मदद से आप जूम करके फोटो ले सकते हो और वाइड एंगल में फोटो ले सकते हो। और जबकि Redmi Note 5 Pro में जो कैमरा है वो आपको 12MP प्लस 5MP डुअल रियर कैमरा और आपको फ्रंट में 20MP कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके बैक में आपको डुअल LED डोंट फ्लैश देखने को मिल जाएगा, जबकि सामने सिंगल फ्लैश दिया गया है। और गाइस, इसका जो कैमरा में 5MP जो सेकेंडरी कैमरा है वो एक्चुअली वाइड एंगल या फिर ऑप्टिकल जूम के लिए नहीं दिया गया है, वो एक्चुअली देगा डेप्थ फोटो को मेजर करने के लिए। इसका मतलब इससे आपका जो पोर्ट्रेट फोटो होता है, जो बुक इफेक्ट होता है, वो काफी बढ़िया होगा। और गाइस, इसका कैमरा में आपको AI का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, Redmi Note 5 Pro का भी कैमरा अच्छा है और MIUI 1 का कैमरा भी अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि Redmi Note 5 Pro MIUI 1 का अपग्रेडेड वर्जन है, तो अच्छा कैमरा के साथ अच्छा जो सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको मिल जाता है Redmi Note 5 Pro में। लेकिन कैमरा के हिसाब से दोनों कैमरा अच्छा है, बस कैमरा का जो फंक्शन और डिफरेंस है। MIUI 1 का कैमरा आपको वाइड एंगल एंड जूम करने के लिए दिया गया है, जबकि आपको Redmi Note 5 Pro का जो कैमरा है वो एक्चुअली डेप्थ मोड को मेजर करने के लिए दिया गया है।
और फ्रंट कैमरा तो काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है रेडमी नोट 5 प्रो में, जो कि एम आई 1 में अच्छा देखने को नहीं मिलता है। और फ्लैश ब्लास्ट तो आपको अच्छा मिलता है रेडमी नोट 5 प्रो में। बात करते हैं एंड्रॉइड की वर्जन को लेके, तो एम आई 1 में आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता था, लेकिन रेडमी नोट 5 प्रो में आपको स्टॉक एंड्रॉइड नहीं मिलता है, आपको कस्टम यहाँ मिलता है एम आई वाई का 9.0 वर्जन देखने को मिलता है। तो अगर स्टॉक एंड्रॉइड कुछ हद तक अच्छा काम करता है कस्टम यूआई के मुकाबले, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं लगता कि ये कोई इश्यू होना चाहिए, क्योंकि कस्टम यूआई में बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलता है जो कि स्टॉक एंड्रॉइड नहीं मिलता है, लेकिन इसमें भी आप लोगों का चॉइस होता है। आप लोगों में से अगर स्टॉक एंड्रॉइड चाहते हो तो एम आई 1 चूज कर सकते हो, और अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड नहीं चाहिए कस्टम यूआई चाहिए तो आपके रेडमी नोट 5 प्रो होगा। फिलहाल बात करते हैं प्रोसेसर को लेके, तो आपको एम आई 1 का जो प्रोसेसर मिलता है वो स्नैपड्रैगन के 625 देखने को मिल जाता है, जबकि आपको रेडमी नोट 5 प्रो में मिलता है स्नैपड्रैगन के 636। तो काफी एडवांस प्रोसेसर दिया गया है आपको रेडमी नोट 5 प्रो में। बात करते हैं जीपीयू को लेके, तो आपको एम आई 1 का जो जीपीयू था वो था एड्रीनो की 506, जबकि आपको रेडमी नोट 5 में मिलता है एड्रीनो की 509। तो काफी इम्प्रूव जीपीयू आपको देखने को मिल जाता है रेडमी की नोट 5 प्रो में। बात करते हैं बैटरी को लेके, तो बैटरी काफी कम था एम आई 1 में, सिर्फ 3080 एमएच का बैटरी देखने को मिल जाता था, जबकि रेडमी नोट 5 प्रो में आपको 4000 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाता है। सेंसर की बात करते हैं, दोनों फोन में काफी सिमिलर सेंसर था, क्योंकि ये शॉमी की तरफ से आता है, शॉमी हमेशा अपने फोन में सेंसर देते हैं, और दोनों में टायर क्लस्टर रहेगा ही रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कौन सा फोन ज्यादा अच्छा है। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि शॉमी का रेडमी नोट 5 प्रो इज अ सक्सेसर ऑफ एम आई 1। सो गाइस, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ज्यादा अच्छा स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा एम आई 2 में, यानी कि रेडमी नोट 5 प्रो में। तो मेरे हिसाब से आप रेडमी नोट 5 प्रो ले सकते हो। एम आई 1 तो बहुत पुराना हो गया है, वो 2017 में लॉन्च हुआ था, लेकिन 2018 में आप रेडमी नोट 5 ले सकते हो। दोस्तों अगर इनमें से दोनों कोई भी फोन लेना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप बताओ कि कौन सा फोन लेना आप ज्यादा पसंद करोगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को तक देखने के लिए। आपसे फिर से मुलाकात होगा मेरी अगली वीडियो तक। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।